स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। हमारी चर्चा होने वाली है दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। हाल ही में एनएचपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ टू डेवलप द दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेंगे जो बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से, यानी कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। हम लोग यहाँ पे जानेंगे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, कहाँ पे है, इसकी लोकेशन के बारे में। इसके अलावा हम लोग एनएचपीसी के बारे में बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग एनालाइज करेंगे दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पोटेंशियल, उसकी लोकेशन, उसकी लोकेशन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है क्या। इनफैक्ट ये सिर्फ इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, इन जनरल कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर प्लान कर रहे हैं सरकार तो उसको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक तरफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है और हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के तहत हमारे टारगेट्स बनते हैं। अगर ये अचीव कर लेंगे तो हम अपने टारगेट की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन हमें एनालाइज करने की भी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली फ्रॉम दी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स फीजिबल है, किस जगह पे बन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूगर से जुड़ा हुआ हम लोग एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस करेंगे डिस्कशन के अंत में, क्योंकि क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से दो देशों के बीच कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन चलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट, बने रहिए ऑन स्टडी आईक्यू टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बट अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 14 सितंबर से, और ध्यान रखिएगा दिस बैच 5 वुड बी द लास्ट बैच, लास्ट इवनिंग बैच। क्लासेस आपकी शुरू होंगी शाम 6 बजे, 6 PM। आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच में आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिल जाएगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिल जाएगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिल जाएगी, ज्ञानवाणी सेशंस मिलेंगे। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी अफोर्डेबल के दृष्टिकोण से। दिस इज ओनली 18,999। अगर आप कंपनी प्राइस देखोगे इट इज़ अराउंड 24,500। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइफ यू विल गेट दिस एट डिस्काउंटेड प्राइस। सो डू अवेल दिस बिफोर 14 सितंबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर ये है कि एनएचपीसी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ। 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको डेवलप करने के लिए। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, कई सालों से इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। 2011 से ही दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज हो चुकी है, पहले टाटा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व था, उसके अलावा एक स्विस कंसल्टेंट भी इसकी स्टडी कर चुके हैं, इसकी फिजिबिलिटी को स्टडी कर चुके हैं। और 2019 में एनएचपीसी ने एक एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ हिमाचल प्रदेश, ताकि इसके ऊपर एक डिटेल प्रोजेक्ट स्टडी हो, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो। तो पिछले 2-3 सालों में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हुई, इसकी जो फाइल थी वो फाइल सबमिट की गई सीईए को, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। पहले जो 2019 में एमओयू साइन किया गया था, इट वाज साइन फॉर लेसर अमाउंट, दैट इज 449 मेगावाट, लेकिन इसमें 51 मेगावाट और ऐड हो चुका है। और अभी जो प्रोजेक्ट गया है सीए को वो 500 मेगावाट के लिए था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इसको एनालाइज किया और अप्रैल 2022 में इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी, यानी कि अभी एनएचपीसी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा सब्जेक्ट टू सर्टन थिंग्स। यानी कि पहला राउंड अभी खत्म हो चुका है, इसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगी, ईआईए की रिपोर्ट जाएगी, सारी क्लियरेंसेस मिलनी चाहिए फ्रॉम एमओईएफसीसी। इस प्रोजेक्ट की क्लियरेंस आएगी फ्रॉम एमओईएफसीसी, तो ये जब भी होगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सिंपल से एमसीक्यू बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस स्टेट में है, किस रिवर पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी लोकेशन क्या है। इसके अलावा एनएचपीसी जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अभी देखिए दूगर के बारे में बताता हूँ, प्लीज रिमेंबर दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नो कन्फ्यूजन, हिमाचल प्रदेश में है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है,
चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और किस रिवर पे है, ये बहुत जरूरी है। दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आने वाला है चेनाब रिवर पे। नो कन्फ्यूजन, नो इंडस, नो सतलज, नो रावी, नो ब्यास, कन्फ्यूजन नहीं करना है, चेनाब पे, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए अगर आप देखोगे दिस इज दी मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आप इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आप चंबा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाओगे हिमाचल प्रदेश के। इसको भी थोड़ा जूम इन करोगे तो यू विल गो समवेयर नियर किलार विलेज। किलार विलेज के थोड़ा सा पास में आता है लुज गांव। लुज गांव के पास ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट इसका जो क्लोजेस्ट रेल हेड है वो है उधमपुर इन जम्मू कश्मीर, नॉट इन हिमाचल प्रदेश, क्लोजेस्ट रेल हेड ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इट इज कमिंग अप इन हिमाचल प्रदेश। तो सिंपल से सवाल बन सकते हैं जहां पे मैंने आपको बताया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पहला स्टेटमेंट दे दिया मैंने, दूगर HEP इज कमिंग इन जम्मू कश्मीर, या फिर इट इज डेवलपिंग इन जम्मू कश्मीर, गलत स्टेटमेंट। दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बींग सेटअप ऑन सतलज रिवर, गलत स्टेटमेंट ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश एंड चेनाब, नो कन्फ्यूजन हियर। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी आ सकता है, दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बींग डेवलप्ड बाई NTPC, गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इट इज बींग डेवलप्ड बाई NHPC। अब ये NHPC है क्या? NHPC लिमिटेड एक सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि केंद्र सरकार की कंपनी है, मेजॉरिटी स्टेक केंद्र सरकार का है, और ये कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब नाम से आपको पता चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करते हैं, यानी कि केंद्र सरकार की कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को प्लान करेगी, उनसे जुड़ी हुई फिजिबिलिटी स्टडीज करेगी, प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी, इवेंचुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करके उनकी वर्किंग करेगी, वो है कंपनी NHPC। और NHPC आपको ध्यान रखना है इट इज़ अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे एक इन्फॉर्मेशन बताइए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैटेगराइजेशन कैसे होती है, किस 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 तरह की कैटेगराइजेशन है, राइट। मिनी रत्ना मैंने आपको बताया, क्या दूसरे कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे कि आई नो नवरत्ना, महारत्ना, राइट। तो आप मुझे बताइएगा कि किस कैटेगरीज की कंपनी होती है और अगर उस कैटेगरी में चला जाए उसको फायदा क्या होता है, इज इट जस्ट अबाउट मनी और इज इट ऑल्सो अबाउट अटोनमी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द रत्नास, ठीक है। अब NHPC से जुड़े हुए सवाल भी आ सकते हैं कि NHPC करता क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स उनका काम है ही है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1975 में, उनका हेडक्वार्टर आता है इन फरीदाबाद हरियाणा, राइट। कैटेगरी 1 मिनी रत्ना कंपनी है, आज इनके पास 24 प्रोजेक्ट्स हैं, 24 पावर स्टेशन इन्होंने बना रखे हैं, टोटल क्यूमुलेटिव जो इनका लोड डेवलप होता है वो है अराउंड 7000 मेगावाट, यानी कि 7 गीगावाट के आसपास ये डेवलप करते हैं जरूर, राइट। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, NHPC जैसे दिमाग में आता है कि एस्पिरेंट्स के जो याद में रहता है वो है कि यार NHPC हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है। यस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप करते हैं, लेकिन इट इज नॉट जस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। प्लीज रिमेंबर NHPC इज नाउ फोरेइंग इनटू अदर डोमेन्स एज वेल, यानी कि वो अभी फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर भी, विंड एनर्जी के ऊपर, जियो थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी NHPC अभी डेवलप कर रहा है। तो ये तो थी शुरुआती दौर की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम लोगों ने बात की दूगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में एंड NHPC के बारे में। अब बात करते हैं जो दूगर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, डज इट मेक सेंस, राइट, डज इट मेक सेंस, दोनों पहलू बात करते हैं। यस, व्हाई डज इट मेक सेंस, मैंने आपको बताया इन जनरल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स डू मेक सेंस। क्यों? क्योंकि यार नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बनती है इससे। इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, स्पेशली नदर्न स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, तो उन स्टेट्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है हिमालयन स्टेट्स में। अब कितना पोटेंशियल है हमारा, 145,320 मेगावाट पोटेंशियल है हमारा, यानी कि 145 गीगावाट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं टेक्निकली, इतना हमारा नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोटेंशियल है। लेकिन आज हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 46,850 मेगावाट, एज ऑफ जून 2022 47 गीगावाट आप पकड़ लीजिए, 47। लेकिन हमारा पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, हमारा पोटेंशियल है 145 गीगावाट के आसपास, 1/3 केवल हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई इट डज मेक सेंस कि जितने ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आएंगे इट डज मेक सेंस, क्योंकि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होती है, हमारी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगे। सो फ्रॉम दैट सेंस इट इज़ क्वाइट एडवांटेजियस। लेकिन अगर हम लोग इसका एक दूसरा पहलू देखें, दूसरा पहलू होगा आपका प्रोबेबली नो। क्यों? क्योंकि लोकेशन, मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन आती है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में लोकेशन समवेयर हियर, राइट, इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट,
ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आएगा इट कम्स इन द जोन 4। यहाँ पे आपको वैकृता ग्रुप के रॉक्स मिलते हैं, वैकृता नीस मिलता है, यानी कि नॉट वेरी स्टेबल रॉक्स, राइट। इसके अलावा दे कम अंडर जोन 4 इन द साइस्मिक मैप। अगर आप देखो ये इंडिया का साइस्मिक मैप है, यहाँ पे जोन 2, 3, 4, 5 आपको दिखाए जाते हैं, जोन 4 और जोन 5। जोन 4 हाई, जोन 5 इज हाईएस्ट। तो जोन 5 आपको हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे जरूर मिलता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इट कम्स अंडर जोन 4। इसका मतलब क्या है, साइस्मिसिटी अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे प्रेशर या फिर टेंशन जरूर हो सकता है। तो इसके ऊपर क्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की क्लियरेंस आएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट नॉनदलेस इट कम्स इन वेरी फ्रेजाइल लैंडस्केप। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। लेकिन इसके अलावा एक और भी इशू हो सकता है इसके साथ। एक और इशू क्या हो सकता है, देखिए हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंध जो है हमेशा से थोड़े से दूर रहे, 2008 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा दूरी बढ़ चुकी है इंडिया और पाकिस्तान में, राइट। इंडिया की तरफ से टेररिज्म इज अ मेजर इशू। अब पाकिस्तान के साथ संबंध, जैसे पाकिस्तान के साथ संबंध लेवरेज करने के लिए हमारे पास एक टूल जरूर है। कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि इंडिया शुड मेक यूज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, और इसलिए कहीं ना कहीं इस सरकार की मोदी एडमिनिस्ट्रेशन is basically trying to explore these things। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ दिनों पहले एक खबर है that India is planning 10 hydro electric plants to utilize complete waters from our side। तो अपनी तरफ का जो पानी है इंडस रिवर का, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम का, हाँ वो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके लिए 10 प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है सरकार। 10 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ये होगा दुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टोटली हम लोग 6.8 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें से 0.5 गीगावाट आपको अभी आएगा फ्रॉम द दुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस सेंस से भी हम लोग एक चीज़ एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जैसे ये प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज में जा सकता है तो पाकिस्तान माइट रेज दिस इशू एट द वर्ल्ड बैंक, विच इज बेसिकली द आर्बिट्रेटर बिटवीन द टू कंट्रीज। पाकिस्तान ऐसा पहले भी कर चुका है, किशनगंगा प्रोजेक्ट हो, रतले प्रोजेक्ट हो, राइट, बागलिहार डैम प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान ने इस तरह की आपत्ति जताई है। अब ये क्यों होता है, लेट अस टॉक अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी एट द एंड। अब इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसके ऊपर भी आपको सवाल बन सकते हैं, सिंपल MCQs। दो देशों के बीच एक ट्रीटी बनी, इंडिया और पाकिस्तान। आप जानते हैं कि 1947 में पार्टीशन हुआ और जो पानी जाता है इट कम्स फ्रॉम हिमालयन साइड एंड इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन टू पाकिस्तान। तो इंडस रिवर सिस्टम में टोटली 6 रिवर्स आती है, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी, बियस और सतलज रिवर सिस्टम, 6 रिवर सिस्टम से। तो 1960 तक कोई अग्रीमेंट नहीं था दोनों देशों के बीच, यानी कि जो अपर रिपेरियन स्टेट होगा वो चाहिए तो पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि कोई अग्रीमेंट साइन नहीं था। और पाकिस्तान को इस चीज़ से आपत्ति जरूर थी, क्योंकि अपर रिपेरियन स्टेट इज इंडिया। अगर इंडिया इस चीज़ को चोक कर देगा, पानी को रोक देगा, तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई 1960 में, और इस ट्रीटी को ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि दिस इज़ अ हाईली अनइक्वल ट्रीटी बिटवीन एनी टू कंट्रीज। क्यों, क्योंकि अगर हम पूरे वाटर सिस्टम की बात करें, 6 वाटर सिस्टम की बात करें, 80% वाटर्स इसका जाता है पाकिस्तान को और केवल 20% वाटर इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, और उसमें भी डिविजन की गई है, डिविजन अमॉन्ग द 6 रिवर्स। तो ध्यान रखिएगा इस पर, डिविजन अमॉन्ग 6 रिवर्स, कौन सी रिवर्स पे डिविजन हो चुका है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये बहुत जरूरी चीज है, इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े हुए जो अपर 3 रिवर है, लेट मी ड्रॉ अ डिवाइडिंग लाइन हियर, इंडस, झेलम और चेनाब, यहाँ पे पाकिस्तान की सुपियोरिटी, यानी कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया के ऊपर लिमिटेशन लगी हुई है वेस्टर्न रिवर्स पे, इंडिया यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला सकता, यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कर सकता है। और ये जो दुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इटसेल्फ। इसके अलावा जो नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए आप पानी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे सदर्न रिवर्स, यानी कि मैं कहूँगा ईस्टर्न, द साउथ ईस्टर्न रिवर्स, रावी, बियास, सतलुज, इसका पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। कुछ इस तरह की ट्रीटी बनी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और अभी फिलहाल जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन द चेनाब रिवर समवेयर हियर। सो इसके ऊपर कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जरूर हो सकती है, उसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, कई बार MCQ बन सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। अभी भी वर्ल्ड बैंक ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, एवरी 5 ईयर्स वर्ल्ड बैंक दे कंडक्ट द इंस्पेक्शन, कि किस तरह से प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं।
साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान को एक्सक्लूसिविटी विद रिस्पेक्ट किन रिवर्स की गई है, ये ध्यान रखिएगा, CJI, ये एक्रोनिम मैं यूज करता था याद रखने के लिए, CJI, राइट, लेट मी जस्ट राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर, CJI, यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस पाकिस्तान की तरफ, और सदर्न साइड में RB और S, रावी, BS और सतलज इंडिया की तरफ, राइट। तो ध्यान रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड टुवर्ड्स इंडिया। तो जस्ट एन एक्रोनिम फॉर यू टू रिमेंबर द इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स रिवर्स। तो देखते हैं कि दुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से क्या कोई जियोपॉलिटिकल टर्मोइल होगा, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। इनफैक्ट वी विल फॉलो अप ऑन दुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोई अगर अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी आई, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।